आज ही के दिन 1519 में इटली के महान चित्रकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक और डिजाइनर लियोनार्डो दा विंची का निधन हुआ। 1885 में आज ही के दिन बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने स्वतंत्र स्टेट कांगो की स्थापना की। आज ही के दिन 1921 में प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे का जन्म हुआ। सत्यजीत ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। रे को जीवन में कई पुरस्कार मिले, जिनमें अकादमी मानद पुरस्कार और भारत रत्न शामिल हैं। इन्हें वर्ष 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और वर्ष 1987 में फ्रांस के लेजियों द आनू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1933 में आज ही के दिन जर्मनी में हिटलर ने ट्रेड यूनियनों पर बैन लगा दी। 1949 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या मामले की सुनवाई शुरू हुई। आज ही के दिन 1950 में फ्रांस ने कोलकाता के पास स्थित अपने उपनिवेश चंद्रनगर को भारत सरकार को सौंपा। आज ही के दिन 1952 में दुनिया का पहला जेट विमान डी हैवीलैंड धूमकेतु 1 ने लंदन से जोहानिसबर्ग तक पहली उड़ान भरी। 1968 में आज ही के दिन लोकसभा ने सार्वजनिक भविष्य निधि विधेयक पारित किया। आज ही के दिन 1997 में ब्रिटेन में 18 वर्षों बाद लेबर पार्टी के नेता टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 2004 में आज ही के दिन मारेक बेलका पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन 2008 में म्यांमार में चक्रवात नरगिस के आने से 1,38,000 लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हुए।